वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देखो ये जिहड़ा करोना के नाँ ते लोगों दे भय बनाया जा रहा है, खासकर सानू हुण ये लगता है कि जिहड़ियां लोकल सरकारां ने उहदे विच चाहे पंजाब सरकार है चाहे हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार तां बीजेपी की सरकार है मोदी के इशारे ते चले ही चले, पर जिहड़ा कैप्टन साहब की सरकार के मंत्री तृप्त रजिंदर बाजवा जी का जिहड़ा बयान आया अखबार के विच, कितना कितने लगता भी इन्होंने भी सांठ गांठ कर ली मोदी के नाल। ये कहिंदे ने कि जिहड़े किसान दिल्लियों आउंदे ने वह करोना लैके आउंदे ने। मैं तुहानूं विस्तार नाल दसना चाहुंदा हां कि वेखो हालात सरकारां दे, परसों दो डैथ होईआं इत्थे, दो मौतां होईआं, एक दी शूगर घट जाण दे कारण सुत्ता पिया रह गया, उहनूं भी नैचुरल डैथ कह सकदे हां आपां, दूजे दी हार्ट अटैक नाल मौत होई। पर जदों सोनीपत हॉस्पिटल लगाए तो जिहड़ी पहली मौत होई सी उहनूं करोना च पाउण लगे सन, बड़ा जद्दोजहद उत्थे सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल गए साडे आगू जिहड़े, और बड़ी जद्दोजहद करके उहदियां डैड बॉडियां करोना च नहीं पाउण दित्तियां। देखो जिहदा पोस्टमार्टम भी होया और मीडिया च खबरें चलाई गई कि दो जिहड़ियां डैथ होईआं ने करोना नाल होईआं ने सिंघू बॉर्डर ते, जदके उहनां दे पोस्टमार्टम हुंदे ने। WHO दी गाइडलाइन है कि जिहदा करोना पॉजिटिव होवे उहदा पोस्टमार्टम नहीं हो सकदा, उहदे विच तां सरकार भी फसेगी, ये कर नहीं सकते, गाइडलाइन दे बाहर जाणगे। फिर इस करके ये सरकार गुमराह कर दी लोगों को। हरियाणा सरकार ने भी यह शुरू करता भी जिहड़ी कोई डेड बॉडी आउंदी है नैचुरल डैथ दी उहनूं करोना च पा दिओ, इसी तरह पंजाब च हो रहा। कैप्टन साहब भी उसे लीते आ गए ने भई जिहड़ी कोई डैथ हुंदी है उहनूं चक के करोना च पा दिंदे ने, कोई करोना करोना एड्डा वड्डी गल नहीं घबराउण दी। मैं अपने सारे किसान वीरां नूं आम वर्गों के लोगों नूं सारयां नूं बेनती करांगा पंजाब वासियां नूं कि बिल्कुल ना घबराओ, घरां च काढ़े बना के पियो, गर्म पानी पियो, कोई हस्पतालों च ना जाओ। जिहड़ी हस्पताल जाने आ 90% डैथ हो के आउणी है, ते जिहड़े घर अपना ओड़ पोड़ करदे ने उहनां च 10% डैथ आ, 90% रिकवरी है। फिर इहदा मतलब की होया कि हस्पतालों च जांदे आ जिहड़े उहनां नूं तां लिफाफा बंद करके भेजणगे। सो ये बड़ी साजिश चल रही आ अंदोलन नूं कमजोर करने लई, अंदोलन नूं खराब करने लई, अंदोलन दे विच डर भय बनाउण लई, लोगों च डर भय बनाउण लई भई जे दिल्ली जाओगे तां करोना लैके आओगे, लोग जाण ना पिंडां तों। ये किते ना किते साजिश है कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार दी, ते मैं बिल्कुल कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार नूं भी कहना चाहुंदा किते इंज ना होवे कि सानूं कोई कॉल पंजाब घेरने दी देनी पै जाए। जिहड़ा उह कहिंदे ने ना कि बयान आया कि इहनां दे भी करोना टैसट होने चाहिए ने जिहड़े दिल्ली आउंदे ने, ना किसी ने टैसट असीं दिल्ली कराया, ना इत्थे बॉर्डर ते कराया दूजी सरकार दे कोल, दूजी सरकार दे कब्जे च बैठे आ फिर भी नहीं कराया। असीं कहा नहीं करावांगे, ते जे अपने पंजाब च कहणगे भी धक्के ना करना फिर कैप्टन साहब नूं दस दिंदे आ भई 2022 नहीं फिर 21 च चलता कर देंगे, सानूं करना आउंदा सारा कुछ, बिल्कुल सड़कां जाम कर देंगे, घिराओ कर लाँगे इन्हां दे जाके, और बिल्कुल मजबूर कर देंगे इन्हां नूं सारिआं नूं, फिर अपने आप इह जाणगे फिर त्याग पत्र दे के। इस करके इन्हां नूं चंगी तरह समझना चाहिए कि बिल्कुल इदां दे जिहड़े होछे बयान देने बंद करो, तुहाडा ट्रीटमेंट हो नहीं रहा, इलाज करो आ नहीं रहे पूरे लोगों के, तुसीं ते फिर तुसीं गल करदे हो कि अंदोलनकारियों चों लैके आ रहे हैं, एक भी बंदा दिखा देना इत्थे करोना पॉजिटिव नहीं साडा हैगा, और एक भी बंदा साडा करोना दे नाल मौत नहीं हुई जिन्ने अंदोलनकारी ने, तो फिर तृप्त रजिंदर बाजवा जी नूं बयान देने की लोड़ पैगी। मैं तो गुरदासपुर वालों नूं कहूँगा भी घेर लो फड़ के बेशक हुण ही, मेरे जे मेरी मनो तो मेरी परसनल राय है। इदां दे जिहड़े मंत्री बिल्कुल मोदी दी बोली बोलते हैं इन्हां नूं कोई हक नहीं ये पंजाब की सत्ता दे विच काबज रहन। सो इस करके मैं बिल्कुल ताड़ना करके कहना हाले भी सुधर जाओ पंजाब सरकार नूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं बिल्कुल कहने आ, नहीं तो फिर असीं रुख पंजाब दा भी करांगे। साडा इत्थे जिहड़ा केडर है वह 5% है, 95% केडर जिहड़ा पंजाब च बैठा है, तो पंजाब घेरना सानूं औखा नहीं, इत्थों नहीं जाना पैना, एक कॉल करनी बस सारा पंजाब बंद कर देंगे। सो इस करके बिल्कुल इदां दे जिहड़े आ वह हथकंडे अपनाउणे बंद करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।